जे की तरफ से इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं काउंसलिंग अपडेट हैं फॉर पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग सो यहाँ पर अब जे के पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग का सेकंड राउंड करने जा रहा है ट्वेंटी थर्ड अगस्त को सो so, फ्राइडे के दिन यहाँ पर सेकंड राउंड होने जा रहा है फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग इन डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस जो कि यू टी जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज हैं सो यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होने जा रहा और है और यही इसका मोपअप राउंड है मोपअप राउंड यानी इसका ये लास्ट राउंड है तो इसका मतलब पोस्ट बेसिक बी एच सी नर्सिंग के दो ही राउंड होने जा रहे हैं सो इसका लास्ट राउंड है यानि मोपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग सो काउंसलिंग डेट आप लोगों ने यहाँ पर देखी है एक ही दिन काउंसलिंग है यानी ट्वेंटी थर्ड अगस्त को यहाँ पर रैंक वाइज बुलाया गया है रैंक वन टू रैंक 1186 सो रैंक वाइज़ बुलाया गया है अगर आपकी रैंक एक से लेकर 1186 तक हैं या इस रेंज में आ रही हैं आपकी रैंक रैंक आप चेक कर सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी जो आपका रिज़ल्ट डिकलेयर किया था जे के बोपी ने फॉर पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग सो यहाँ पर रिमार्क्स में ऑल कैंडिडेट्स यानी सभी बच्चों को जाना है चाहे ओपन मेरिट जनरल स्टूडेंट हैं या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक like एस सी एस टी एल सी आर बी सी डी पी जेके पी एम पी एस पी जो भी डिफरेंट डिजर्व कैटेगरीज होती हैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं काउंसलिंग के लिए लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट डी ओ बी सर्टिफिकेट टेंथ मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा ट्वेल्थ मार्क्स कार्ड उसके बाद जे एन एम मार्क्स कार्ड ऑफ ऑल सेमिस्टर्स उसके बाद यहाँ पर इंपॉटेंट पॉइंट है कि जिसको पहली दफ़ा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उसको यहाँ पर एक हज़ार रुपये काउंसलिंग फ़ी है अब जिसने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया है फिर कॉलेज मिला है उसके बाद कॉलेज में एडमिशन भी किया है अब यहाँ पर कॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है तो उसको काउंसलिंग फ़ी नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले राउंड में काउंसलिंग फ़ी पे की हैं सो जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो सेकंड राउंड के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग यानी कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है सेकंड राउंड में कौन बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है तो आप प्लीज़ मैंशन करना कमेंट्स में मैं आपको बोलूँगा कि कौन बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएगा एंड कौन बच्चा नहीं